कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है तेजल ब्लॉग में। और अभी आज ना मैंने नाज धोया था, तो फिर मैं छत पे सुखाने के लिए गई थी तो सूख गया था। तो सुबह का टाइम है, 8 साढ़े 8 बजे का। तो मैं ना ऐसे फैलाने गई थी छत पर नाज को, जो कि अभी रह गया था थोड़ा, तो मैंने कहा सूख जाएगा अच्छे से। और ये देखो माधव, छोटी वाली का मतलब कि देवरानी का बेटा है, तो वो यहीं खेल रहा है छत पर ही। तो मैं ऐसे अच्छे से फैला रही हूँ, धोया था ना, तो फिर हम धोकर ही खाते हैं अनाज, तो इसलिए मैंने कहा इसे सुखा दूँ। अनाज आ चुका था तो वही, फिर मैंने कहा चलो धो लेते हैं। तो ये देखिए मैं अच्छे से फैला लूँगी। और लगभग नाच तो अब कट ही गए हैं, थोड़े रह गए होंगे जिस किसी के, वरना अब तो नाच कट गया था सभी का खेतों पे। और अभी मैंने अच्छे से फैला दिया। फिर मैंने देखा कि पौधे जो हैं, गमले रखे हुए हैं, वो सूख रहे हैं। मतलब कि उसमें ना हमने सब्जी बोई थी, पालक और धनिया, हरा धनिया, तो पानी नहीं लगा था। तो मैंने कहा चलो मैं इसमें खुदाई सी करके इसकी थोड़ा सा इसमें पानी वगैरह दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पानी दे रही थी, 2-3 गमलों में दे दिया था और 2 रह गए थे 2-3। तो मैंने कहा चलो मैं इसमें भी दे देती हूँ। और बच्चे छत पर ही खेल रहे हैं क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, इस वजह से। फिर धूप बहुत तेज वाली पड़ती है तो इसलिए, तो मैंने कहा चलो मैं अब आई हूँ छत पर, तो मैं दे देती हूँ पानी। तो मैंने इनमें पानी दे दिया है, इनमें मैंने पहले दिया था और फिर मैंने कहा चलो मैं दोबारा दे देती हूँ। तो थोड़ा सा, और ये थोड़ा से ना इसमें वो फुलवारी होती है ना, फूल वाली, वो इसमें हो रही है, तो इसमें वही फुलवारी हो रही है। तो वो मेरे से कुछ बोल रही थी तो मैं उसकी सुन रही थी कि क्या कह रही है। तो मैंने कहा चलो। और फिर पूजा के लिए, फिर हमने पूजा की थी, मैं छत पे से आके फिर नहाई धोई, साफ़ सफाई की और फिर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई, क्योंकि यहाँ से नवरात्रि लग रही थी। जो नवरात्रि वाले दिन की वीडियो है जो कि मैंने आज की है अपलोड, तो अभी मैं कर रही थी पूजा। तो हवन वगैरह किया था मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो अभी हम पूजा वगैरह करके फ्री होती हूँ। और कुहू बना रही है मेरी वीडियो, ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं। तो और फिर मुझे मार्केट जाना था बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लेने के लिए, तो मैं बाइक से जा रही हूँ मार्केट। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा वीडियो निकाल लेती हूँ अपना। और देखो, और आंधी आ रही थी, पता नहीं कि मौसम ख़राब हो रहा था उस टाइम। तो मैं आई थी दुकान पर कपड़े लेने बच्चों के, क्योंकि शादी आ रही है इस वजह से, और एक नहीं दो दो शादियां हैं, तो उसी की शॉपिंग चल रही है। तो मैं कुहू के लिए और विराज के लिए और सुजल के लिए, तीनों के लिए लेकर लेने आई थी बच्चों के कपड़े। तो अभी मैं थक चुकी हूँ, मार्केट से आई हूँ अभी। तो कपड़े लेकर आई थी बच्चों के लिए और अपने लिए। तो बच्चों के लिए तो खैर मैं सोच रही थी 1-2 दिन के लिए लाऊंगी लाऊंगी, पर मैं वही भूल जाती थी। फिर आज मैं लेकर आई हूँ ग्रास के लिए, कूल के लिए और सबके लिए। और अभी शादी में एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे खूब सारी, और आपको डेली वीडियो दिखाऊंगी मैं शादी की, मतलब कि सारी कुछ दिखाऊंगी, रसम वगैरह सब। और वो आपको पता चल ही जाएगा किसकी शादी है, पर 2 शादियां हैं, एक तो अभी, फिर उसके 10-15 दिन बाद फिर दूसरी शादी है। तो दोनों ही खास हैं, सगी हैं शादी। तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए डेली, तो उसके लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और जिसने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक से कुछ नहीं होता, कर दीजिए करें।
बस अपने मार्केट से आई हूँ और कहूँ बेटा पानी पिला दे। तो अभी मैं जाती हूँ किचन में, बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं तो वो साफ़ करने हैं, सारे गंदे हो रहे हैं तो अभी लगते हैं हम किचन में। औरतों का तो बस यही हाल है कि छुट्टी नहीं मिलती थोड़ी देर के लिए भी। और अभी मार्केट से होकर आई हूँ और अब फिर किचन में लगना है, तो कोई नहीं करते हैं खाना वाना बनाएंगे अब बच्चों के लिए भी और मुझे भी भूख लग रही है, तो मैं भी बनाऊंगी अपने लिए कुछ, देखती हूँ क्या बनाऊं, क्योंकि हस्बैंड के लिए नहीं बनाऊंगी, उन्होंने नवरात्रि व्रत रखे हुए हैं 9 दिन के, तो इस वजह से तो उन्होंने व्रत रखे हुए हैं तो इस वजह से उनके लिए नहीं बनाऊंगी। और आज मेरी बेटी ने भी रखा है, मैंने उससे मना किया था पर वो नहीं मानी तो उसने भी रख लिया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। उसके लिए मैंने आलू वगैरह तल दिए थे जिनमें फ्राई कर दिए थे और खाने के लिए फ्रूट वगैरह दे दिए थे उसे, तो वो मानी नहीं। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, अगर रह पाएगी तो रह ले वरना खाना वगैरह खा लेना। तो अब तक तो उसने खैर रखा हुआ है, अभी तो नहीं तोड़ा उसने अपना फास्ट, पर उसके लिए भी बनाती हूँ खाने के लिए, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और अभी चलते हैं किचन में, और गर्मी बहुत ज़्यादा अब दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी और ऊपर से करोना वो ये घर से निकलना दुश्वार हो गया है, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो तभी जाना चाहिए वरना नहीं जाना चाहिए। तो पर मुझे तो ज़रूरी था, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लेकर आने थे शादी के लिए, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा मार्केट। तो अभी चलती हूँ मैं किचन में और देखती हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं खाने के लिए, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो ये देखिए मेरी किचन की हालत क्या हो रही है, तो पहले मैं सफाई कर लेती हूँ किचन की और फिर मैं बनाऊंगी खाना। दूध रखा है गर्म होने के लिए इसमें, ये देखिए दूध गर्म हो रहा है। यहाँ मैंने चावल ये रखे हुए हैं समा के चावल, मैं बनाऊँगी खीर समा के चावलों की, तो क्योंकि बेटी व्रत रही है मैंने आपको बताया था फास्ट है उसका, तो इसलिए मैं अभी खीर बना रही हूँ दोनों के लिए, थोड़ा लेट हो गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, पहले मैं बना लेती हूँ। और मैं ना मार्केट जाना पड़ा क्योंकि विराज के कपड़े छोटे आ गए थे, तो इसकी वजह से फिर मुझे चेंज करना पड़ा, इन पे फिर टाइम नहीं था कल तो इसलिए। और मैं बच्चों के कपड़े सबके आपको कल मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कि कैसे हैं बच्चों के कपड़े कैसे लगे। तो अभी विराज तो सो रहा है और बच्चे मतलब अपनी दादी के पास हैं मम्मी जी के पास, तो अभी मैं खीर वगैरह बनाकर उनके लिए रख दूँगी और फिर मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप लोग बताना, और हाँ प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर हैं, क्योंकि लाइक आप लोग नहीं करते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो मेरी वीडियो पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।